बेटा। हाँ माँ। तेरे पिताजी के मरने के बाद घर कितना सूना सूना लग रहा है। हाँ माँ, और गंदा गंदा भी लग रहा है। पिताजी थे तो झाड़ू होता था, पोछा होता था, कपड़े धुलते थे, घर साफ साफ रहता था। अब तो एक आधा नौकर भी नहीं टिकता है। हाँ, और वो पूरे 40 साल तक टिके रहे। माँ एक काम करें, एक आध डैडी रख लें। बेटा, इस उम्र में डैडी मिलेंगे वो बिल्कुल काम के नहीं होंगे। क्यों ना तुम शादी कर लो। माँ, मुझे तो इतने दिनों में एक आधी लड़की भी नहीं मिली है। हाँ बेटा, पता है, लड़की ढूंढते ढूंढते तो तू बूढ़ा हो गया है। शायद मेरे नसीब में एक आधी शादी भी नहीं है। तुम प्रोफेसर पटेल को मिलो। हाँ, रिश्ते ही रिश्ते, मिल तो ले प्रोफेसर पटेल, 48 रैगर पूरा करोल बाग। हाँ, सुना है वो अच्छे अच्छों की शादी कराता है। ना, जब अच्छे अच्छों की हो सकती है तो मैं इतना बुरा बुरा थोड़ा ही हूँ। मैं आज ही जाता हूँ प्रोफेसर पटेल के पास और एक आधी शादी तो करके ही आता हूँ। आजकल सास कैसी है तेरी? बहन जी, देख मेरी वाली को तो मैंने बोल दिया, तू तेरी वाली को बोल दे। ये आजकल के टीवी सीरियल देख के ना ये सास लोग बहुत बिगड़ गई है। बहन जी मैं यहाँ। क्या है ये? मेरा नाम मुसद्दीलाल उप्पल है। तो मुंह में निप्पल लगा के रखो जी। देखते नहीं मैं बात कर रही हूँ, चुप रहो। नहीं, एक मिनट, जरूरी बात थी। क्या है? मैं यहाँ एक आधी लड़की ढूंढने आया हूँ। ओह, तो तुम क्लाइंट हो? नहीं नहीं, वो पहले क्यों नहीं बताया? ललिता, तू इसे पका, तब तक मैं इसे पकाती हूँ। हाँ, चल बाय। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो एक आधी शादी करनी है। एक के आधी? आधी भी करा देंगे तो चलेगा। नहीं नहीं, हम पूरी कराएंगे। चलिए आइए मेरे साथ। कहाँ? पांडे जी के पास। अच्छा अच्छा, आदमी की शादी एकदम देसी ठर्रा है। ऐसा नशा देती है, ऐसा नशा देती कि पूछो मत। भाई साहब, नशा तो मैं पहले से बहुत करता हूँ, पर आप मेरी शादी करा दो। अरे शादी तो आपकी हो जाएगी, ये फॉर्म भाटिया जी के पास जमा करा दो, आपकी शादी यूं हो जाएगी यूं। थैंक यू। ओके पंडित जी, ये क्लाइंट है। क्या? ये क्लाइंट नहीं है, मुसद्दीलाल उप्पल हूँ। लेकिन यूं तो बता रही है आप क्लाइंट है। यही तो क्लाइंट ही तो है, नाम उप्पल है। ओ, शादी करनी है जी? आइए बैठिए। इससे पहले कितनी शादी कर चुके हैं? एक भी नहीं। मतलब टोटल फ्रेश? जी हाँ, टोटल फ्रेश हूँ। भीष्म पितामह के बाद पहला इतनी बड़ी उम्र का आदमी देखा कुमारा? वो भी फ्रेश रहते थे। हाँ, आपकी ऐसी शादी कराऊंगा, ऐसी शादी कराऊंगा। कैसी शादी कराएंगे? कि आपकी लाइफ एकदम स्वर्ग हो जाएगी। अच्छा, और मैं? स्वर्गवासी। क्या? डरिए मत, डरिए मत, आप ये फॉर्म भर दीजिए। उषा जी, इनके लिए चाय लाना। जी लाना जी। पंडित जी, ये फॉर्म भरना है। हाँ, रजिस्ट्रेशन होगा ना आपका? नाम क्या है? मुसद्दीलाल उप्पल। भरो। पिता का नाम क्या है? मुसद्दीलाल उप्पल सीनियर। भरो। पता? पता है। क्या पता है? पता किसका? आपका। 111 पराठे वाली गली टांकी के पीछे। भरो। उम्र? भरो। किसकी? पिताजी की। पिताजी की, पर शादी तो मेरी होनी है। तो फिर पूछ क्यों रहे हो? भरो। तो क्या भर दूं? उम्र भर दो। पता नहीं, तुम्हें याद नहीं है तुम्हारी उम्र क्या? क्या है पांडे जी, जब मैं पैदा हुआ था ना तो मैं बहुत ज्यादा छोटा था, तो मुझे याद ही नहीं है कि मेरी उम्र क्या थी। पर जब मैं 4-5 साल का हुआ था तो मुझे याद है कि मेरे मुंडन हुए थे। लेकिन कब? वो जब मैं इतना बड़ा था। इतना बड़ा? आप भी हाथ नीचे लगाओ ना। हाँ, इतना बड़ा, और 4-5 साल का था। तो अब कितनी उम्र है? अब पता नहीं। आप एक काम करिए, भाटिया जी से मिलिए। ये भाटिया जी कौन है? वो मुंडन स्पेशलिस्ट है, उनको बताना कि 4-5 साल की उम्र में तुम्हारा मुंडन हुआ था, तो तुम्हारी शक्ल देख के वो तुम्हारी उम्र बता देंगे। अच्छा, कहाँ है भाटिया जी? सामने। सामने। वो। ए भाई साहब, आपका क्या नाम क्या है? सिक्स। बड़ा अच्छा नाम है सिक्सर भाई साहब। ये भाटिया जी कहाँ मिलेंगे? आउट। आउट? पर मैं तो आउट। आउट। कौन कौन हुआ? मैया नहीं, भैया। मैया क्यों बोलूंगा, कहाँ जा रहे हो भैया? आउट। क्यों? आप ही ने तो कहा आउट। देखो, हम वो मैच सुन रहे थे। आप यहाँ ऑफिस में मैच सुन रहे थे? अरे घर में सुनेंगे तो घर का काम कौन करेगा? अच्छा, आप घर का काम करते हैं?
लगता है शादी नहीं हुई है। बैठो बैठो बैठो। नहीं, शादी नहीं हुई है मेरी। तभी आजकल लेटेस्ट लेडीज जो है नौकर की जगह पति रखना पसंद करती है ना। पता क्या, मेरी माँ ने भी मेरे डैडी को रखा था। हम आपको कहाँ रखवाने बोलिए? ये मुझे तो भाटिया जी से। भाटिया कहाँ से रखेगा? भाटिया तो खुदे रखेला। नहीं नहीं, मुझे भाटिया के यहाँ रखवाना नहीं है। तो मुझे भाटिया जी से अपनी उम्र पूछनी है। देखो वो दोनों जो बैठे हैं ना, उसमें से एक भाटिया है और एक टैंड है। आपा कौन सा है? शायद वो वाला वो शायद वो नहीं, वो है कि वो है कौन है? देखिए भाई साहब, वो कौन है बता दीजिए ना। ये वाला है। ये भाटिया मेरी जेब में, आप मजाक कर रहे हैं। अरे देखो यार, इतना सोच रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, कुछ तो दे दो ना। क्या? देखो यार, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, घर में बीवी बच्चे सब भूखे हैं यार, बीवी बच्चों के नाम पर 100 ओनली दे दो यार। नहीं नहीं, 100 तो बहुत ज्यादा है। अरे यार देखो, हम भाटिया बताने का 100 लेते हैं। उषा जी कौन है ये बताने का 75, पांडे जी कौन है ये बताने का 50, तो पटेल कौन है ये बताने का 101। अब बताओ तुमको किसके बारे में बताएं? आपका बाप कौन है? मेरे बाप, अगर उनका पता चले तो हम 500 रुपए तुम्हें देते हैं। बताओ मेरा बाप कौन है? क्या? हाँ अच्छा, आप ऐसा करो, आप ये 50 रुपए ले लो। 50? 50? आधे भाटिया आप मुझे बता दो, आधे मैं ढूंढ लूंगा। भाटिया जी क्या है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जुगाली कर लो। बोलिए जी। मुझे अपनी उम्र पता करनी थी। क्या बात? क्या है कि जब मैं पैदा हुआ था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, तो मुझे याद नहीं मैं कब पैदा हुआ था, पर जब मैं इतना सा हुआ तो मुझे पता है कि मेरे मुंडन हुए थे। अच्छा, कहाँ हुआ था मुंडन? वहाँ गांव में। अरे यार, तो बहुत बड़ी दावत दी होगी। हाँ, पिताजी ने बहुत बड़ी दावत दी थी। कमाल है यार, हमें बुलाया तक नहीं आपने। मैं आपको जानता नहीं था ना, इसलिए नहीं बुलाया। जानते होते तो बुलाते। पक्का बुलाता। और खिलाते भी। पक्का खिलाता। तो आप तो जान गए हो। हाँ। तो आप खिला दो। क्या? उषा जी, उषा जी। हाँ जी। अरे भाई, बाहर से जरा मुंडन का पार्सल तो लेके आइए। दीजिए 500 रुपए। 500 रुपए? लेकिन वो पता नहीं क्या ले आएगा ना। अरे नहीं, मैंने उसको बता रखा है कि भाई मुंडन हो तो ये आइटम भेजो, और 13वीं हो तो ये आइटम भेजो, शादी हो तो, उसको सब पता है। 500 रुपए दीजिए ना। अच्छा, ये बचपन में मिल गए होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि 20-25 में काम निमट जाता ना। जाओ भाई, जल्दी जाओ। जी, तो मेरी उम्र क्या है? आपकी उम्र है कोई 25? वो तो 25 साल पहले थी। क्या? हाँ, उम्र है 50। क्या? हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको 25 का बना सकता हूँ मैं। कैसे? रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा लगेगी। कितनी? भाई वैसे लगती है 5, ऐसे लगेगी 10। नहीं नहीं, मुझे 25 का नहीं होना। तो ठीक है, हमें क्या भाई, 50 के उम्र के आदमी की तो मेरे ख्याल से 45 की लड़की से शादी होगी। 45 की लड़की? नहीं नहीं, वही मेरा मतलब है कि 45 की औरत। औरत नहीं, बुढ़िया कहो, बुढ़िया। और आपको क्या कहूँ? देखिए, मैं दिखने में थोड़ा ऐसा हूँ, मगर अंदर से बहुत जवान हूँ। मैं आपको दिखने में भी जवान बना सकता हूँ। कैसे? रजिस्ट्रेशन में लिख दूंगा बस, लेकिन उसके 2000 रुपए लगेंगे। पर अभी तो आपने 5000 रुपए कहा। तो वो तो ऑफिशियल था ना। और ये अनऑफिशियल। अच्छा अच्छा, तो कितनी उम्र की लड़की मिल जाएगी? ये 25 को मिल जाएगी, 20-22 साल की मिल जाएगी। अच्छा ठीक है जी, एक सेकंड रुकिए, ये लीजिए 5000 रुपए। 5000? एक आधी 16 की कर दो। और राजा, तुम तो एकदम रसिया निकले हैं। किसी से कहना नहीं। मैंने किसी से नहीं कहूंगा, पांडे जी से मिल लो, और ये है रजिस्ट्रेशन की रसीद। जी, लड़की 16 की होनी चाहिए। चिंता मत करो, 16 की नहीं मिलेगी तो 8-8 की 2 दिलवा देंगे। हाँ, पर वो तो गैर कानूनी है ना। अच्छा, और 16 की से जो कर रहे वो कानूनी है? किसी को बताना मत ना। नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा, पांडे जी से मिल लो ना। जी, फोटो नहीं चिपका? किसका? आपका और किसका? है ना, ये है ना, ये लीजिए ना, ये आपका फोटो है। हाँ, मेरा फोटो है, पिताजी ले गए थे खिंचवाने के लिए। मैं इसे घर ले जाऊंगा। क्यों? बच्चों को डराने के काम आएगा। क्या? अरे ऐसा फोटो देख के कौन शादी करेगा तुमसे लड़की? इस फोटोग्राफ से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा फोटोग्राफ होगा आपका, फोटो सेशन कराऊंगा, 10000 रुपए लगेंगे। 10000? हाँ, ऐसा फोटो सेशन होगा जिसको देख के लगे कि तुमको झाड़ू लगाने से लेके पोछा बर्तन सब काम आता है। भाई लड़की वालों को नौकर चाहिए कि दामाद? केवल दामाद से काम नहीं चलता आजकल। हाँ पता है। ठीक है, मैं शादी की खातिर नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। तो झाड़ू लगाने के फोटो से शुरुआत की जाए क्या? यही तो, कितने दिनों में कचरा निकला ही नहीं है। ओके, तो आप जरा उधर चले जाइए प्लीज।
यहाँ वहाँ जो कचरा है ना उसको निकालिए, उससे फोटो में ओरिजिनलिटी आएगी। हाँ खींचो खींचो, हाँ करेक्ट, एक और एक। अब चेहरे के ऊपर जो है पिटे हुए पति के एक्सप्रेशन लाइए जरा। मैं तो कभी पिटा नहीं हूँ ना कभी पति रहा हूँ। कोई बात नहीं, पीटने का काम उषा जी कर देंगी। क्या देखिए, हमें निर्जीव एक्सप्रेशन के साथ सजीव फोटोग्राफ चाहिए। उषा जी शुरू हो जाइए। जी आइए आइए। हाँ एक मिनट पोजीशन लीजिए। हाँ अब सबसे पहले एक सर पे मारिए। एक पीट पति। हाँ पेट पे मारू। हाँ हो गया? नहीं नहीं, ये तो झाड़ू पोछे का प्रूफ था। खाना पकाना आता है कि नहीं उसका भी तो प्रूफ देना है ना। क्या पकाना? हाँ खींचू। रुको। क्यों? मेरे को अभी और भूख लगी है। गरम गरम। हाँ अब खींचू। ओके रेडी स्माइल। हो गया? हाँ अब तो मुझे लड़की मिल जाएगी ना। ये तो पटेल साहब ही बताएंगे। ये कौन बताएगा कि पटेल साहब कहाँ मिलेंगे? पटेल साहब क्या? हाँ तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से कराऊंगा जिसे देखकर हर कोई यही कहेगा कि काश ये मेरी बीवी होती। क्या? नहीं डरी मत, डरी मत। पटेल साहब तो जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए ये सब फोटोग्राफ्स हैं, इनमें देख के बताइए आपको कौन सी पसंद है। देखिए ये नहीं नहीं। अच्छा एक मिनट, ये देखिए ये नहीं नहीं ये पसंद है। नहीं अरे तो फिर कौन सी चाहिए आपको? ये मुझे ऐसी बीवी चाहिए जिसे देख के लगे कि ये बीवी हो सकती है। तो मतलब किसी के बीवी से शादी करोगे? नहीं नहीं मतलब आदमी जब उसे देखे तो ऐसा लगे कि किसी की बीवी हो सकती है। अच्छा ये चलेगी? हाँ ये चलेगी। क्या चलेगी? अरे ये मेरी बीवी है। क्या? नहीं 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 है, नहीं है। क्या? इतनी खूबसूरत है कि इसे देख के हर आदमी यही बोलेगा काश ये मेरी बीवी होती। ए, ए, पांडा। ए, ए, चिंता मत करिए, हम आपकी शादी इसी लड़की से कराएंगे। बस आप 10,000 रुपए का इंतजाम कर लीजिए कुंडली के साथ। 10,000 रुपए? ये बीवी थोड़ा एक्सपेंसिव है ना। ओके ओके ओके, लेकिन है बहुत अच्छी। इसको मैं साथ ले जाता हूँ, माँ को दिखाऊंगा ना बीवी की फोटो। साथ ले जाओ बीवी। क्या क्या मेरी बीवी की शादी इससे कराना चाहता है तू? पटेल साहब छोड़िए, डोंट गेट फिजिकल। अरे मैंने तो उसको ऐसे ही बोल दिया, अगर नहीं बोलता तो वो क्लाइंट हाथ से चला जाता ना। अरे सर एक बार पैसा जमा करा दीजिए, बस देखिए उसे ऐसी कुंडली घुमाएंगे कि कुंडली मिलेगी ही नहीं। क्या नहीं मिलेगी? नहीं नहीं कुंडली तो मैं किसी भी खूबसूरत लड़की के साथ मिला दूंगा, मगर क्या है उसके पहले आपको प्रूफ लाना होगा। प्रूफ? हाँ यही कि आप अपनी बीवी और 10-12 बच्चों का खर्चा उठा सकते हो। ये बच्चे कहाँ से आ गए? आपके हैं? नहीं मेरे नहीं। अरे तो लड़की है कि चलता फिरता अनाथालय है पटेल साहब। मैं ये कहना चाहता था कि माना कि शादी के बाद 10-12 बच्चे हो गए तो? नहीं मैं ऐसे कैसे हो जाएंगे, होने नहीं दूंगा। हाँ वो तो आप पर तो भरोसा है, मगर मानिए कि आपकी बीवी के 10-12 बच्चे हो गए तो? क्या है बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, हो गए तो? हाँ तो फिर? तो फिर क्या, फिर दो बातें हो जाएगी ना, या तो आप बच्चों से परेशान होकर नए टीवी पर सर पटक कर मर जाएंगे, या तो पुरानी बीवी को पड़ोसी के साथ भगाकर बच्चों को उनकी खोज में लगा देंगे। खोज में लगाया तो ठीक, मगर टीवी पर सर पटका तो दो बातें होगी। कुल मिला के कितनी बातें होंगी? दो ही बातें होंगी, या तो टीवी पर सर पटक कर मर जाएंगे, या तो टीवी खराब हो जाएगा। मर गए तो ठीक, मगर टीवी खराब हो गया तो बच्चों का क्या होगा? मैं ये पूछता हूं मिस्टर मुसद्दी, अगर टीवी खराब हो गया तो बच्चों का क्या होगा, कभी सोचा है आपने? नहीं, आपको मेरे मरने की चिंता नहीं है, आपको टीवी की चिंता है। ये कितनी बातें हैं, दो बातें? फाइनली मैं आपको एक बात बता दूं। नहीं पहले आप ये बताइए कि टीवी मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे? वो ऐसे कि आप मर गए तो आप दोबारा पैदा हो सकते हैं, यहां नहीं तो वहां, दिल्ली में नहीं तो मुंबई में, इंडिया में नहीं तो पाकिस्तान में। पर टीवी, टीवी थोड़ी दोबारा पैदा हो सकता है भाई साहब। तो क्या पहले प्रूफ दो कि आप अपनी बीवी और 10-12 बच्चों का खर्चा उठाकर टीवी खराब नहीं होने दोगे। वो कैसे भाई? बच्चों की फरमाइशें पूरी करके। तो मेरे बच्चे कहाँ हैं? बाहर है ना। बाहर? हाँ हम सबको आप अपना बच्चा ही समझिए। क्या? हाँ हम सब आज सारा दिन आपके साथ घूमेंगे और आप हमें जबरदस्ती शॉपिंग भी कराएंगे। शॉपिंग? ये तो
वो भी जबरदस्ती। इससे क्या है साबित होगा कि आप अपने बीवी बच्चों का भार उठा पाएंगे, और अगर ना उठा पाया तो फिर तो शादी मुश्किल है। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, मैं आप सब लोगों का भार उठा लूंगा। दे दिया ना आप लोगों को सबूत? बिल्कुल दे दिया जी, और हमें मिल भी गया। मैं तो कहता हूँ कि जैसे आपने हम लोगों का भार उठाया है, भगवान आपको उठाए। क्या आप एक नहीं दो दो शादी कर सकते हैं? और 10-12 बच्चे क्या 30-35 पैदा कीजिए। तो फिर मिलवा दीजिए ना लड़की से। क्या मिलना मिलवाना क्या है? क्या कह रहे हैं भाई, आज पूरा दिन मैंने आप सब लोगों की और आपके घर वालों की शॉपिंग कराई है, और मैंने ये सबूत दे दिया है कि मैं अपने घर वालों का खर्चा उठा सकता हूँ, और आप कह रहे हैं आप लड़की से नहीं मिलवाए। नहीं नहीं हम नहीं मना कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप कल आओ, हम डायरेक्ट शादी करा देते हैं ना। सच में? तुम्हारी कसम। तो ठीक है, तो फिर मैं कल आता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन आज तो जाइए पहले जी, हमें आपकी शादी का इंतजाम भी करना है ना। बाय 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 बाय। हाँ पटेल साहब, कल जब बीवी मांगने आएगा तो क्या दोगे? धुइया? यही तो, क्या जवाब देंगे उसको? अरे भाई वही जवाब देंगे जो और लोगों को दिया है इससे पहले। क्या? कि लड़की किसी और लड़के के साथ भाग गई। बोलेगा मेरे साथ भागने में क्या बुराई थी? तो तो कह देंगे ना कि ये तेज भागना पसंद करती थी और आप थक जाएंगे। नहीं नहीं, गम में बेचारा पागल हो जाएगा। हाँ ये बात तो हमको पहले से लग रहा था। मुझे भी लग रहा था, जब उसने इतना पैसा हम पर खर्चा किया हमारी शॉपिंग की, मुझे तो लगता है इसके दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन अब क्या, अब लड़की नहीं है तो किससे शादी कराएंगे? हाँ अगर पटेल साहब चाहें तो। सी आई डोंट माइंड, मैं उसकी शादी अपनी बीवी से करा देता, पर मेरी बीवी मानेगी नहीं। हाँ ये किसी और से करेगा नहीं तो क्या करें? अब कल की कल देखेंगे यार, आने तो दो। दिख रहा है लेकिन इतनी जल्दी? 12:30 का मुहूर्त था, मैं 12 बजे आ गया हूँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन बारात किधर है? मैं ही बारात हूँ, मैं ही बाराती हूँ। अरे तो दुल्हन भी तुम ही बन जाओ ना। ऐसी कैसे मैं दूल्हा हूँ, दुल्हन कैसे बन सकता हूँ? दुल्हन कहाँ है दुल्हन? बस आती होगी। दूल्हा पहले आ गया, दुल्हन गायब है, माँ को क्या जवाब दूंगा? देखिए आई थिंक दो बातें हो सकती है, या तो दुल्हन ट्रैफिक में फंस गई होगी, या तो ट्रैफिक दुल्हन को देखने में फंस गया होगा। ट्रैफिक में फंस गई होगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ट्रैफिक दुल्हन को देखने के लिए फंस गया तो ये तो गलत बात है ना। प्लीज पटेल साहब कुछ कीजिए प्लीज। कुछ करते। हेलो दुल्हन, तुम निकल चुकी हो? ओके भाई, दुल्हन निकल चुकी है। देखा, दुल्हन निकल चुकी है। अरे वाह, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। तब तक एक काम करते हैं, हम लोग शादी का खाना खा लेते हैं। खाना तो शादी के बाद खिलवाऊंगा। नहीं नहीं, बाद में हम दोबारा खा लेंगे। उषा जी, जी भाई बाहर से शादी का खाना लेके आइए। जी लाइए 1000 रुपए। 1000 रुपया पूरी शादी का खाना है भाई, कोई मजाक थोड़ी है। शादी का खाना कोई मजाक? ये लीजिए। उषा जी जल्दी जाइए। दुल्हन कब आएगी? आएगी आएगी, जरूर आएगी। तब तक आप वहां बैठिए। सोफे पे बिठा रहे हैं। भाटिया जी, वाह खाना बहुत अच्छा था भाई। भाई खाना तो हो गया, अब शादी भी करा दो, मुहूर्त निकला जा रहा है। ओफो, दुल्हन को तो आने दो। कब आएगी? एक्सक्यूज मी, क्या है? तलवार देना जरा। क्यों गर्दन काटनी है मेरी? नहीं नहीं, ट्यूसडे को हम नॉनवेज नहीं खाते ना, तो भिंडी काटने के लिए चाहिए थी। बहुत हो गया। हाँ हाँ, तो थोड़ा कम कर लो। अरे तू कहाँ है? दुल्हन कहाँ है? ट्रैफिक में। अरे सुबह से शाम हो गई, अभी तक दुल्हन नहीं आई है, मुहूर्त निकला जा रहा है भाई। हो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दुल्हन नहीं है तो क्या हुआ, उसकी फोटो तो आपके पास है। फोटो तो है, तो क्या फोटो के साथ फेरे ले लीजिए क्या? हाँ तब तक दुल्हन भी आ ही जाएगी। आ जाएगी ना? यही तो, जल्दी करो नहीं तो अगला 1 साल कुंवारा रहना पड़ेगा। शादी कर लेता हूँ, शादी कर लेते। वधू को बुलाओ। चलिए कन्या का हाथ पकड़िए। अरे कन्या कहाँ है? मगर फोटो है ना, फोटो को कन्या समझिए और उस कोने को कन्या का हाथ समझिए और पकड़िए। हाँ
अब फेर लीजिए, कन्या पीछे आप आगे, कन्या पीछे आप आगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ओम महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म कृष्ण नारायण आपको भी बताइए। थैंक यू थैंक यू। क्या बीवी पसंद आई? क्या बड़ी मासूम है, कभी कोई फरमाइश नहीं करेगी, कभी कोई खर्चा नहीं करवाएगी। यही तो, तुम कुछ भी कहोगे तो भी ये कुछ नहीं कहेगी। मैं तो कहूँगा ये सबके लिए आइडियल बीवी है। हाँ मुझे पता है, सब देख के कहेंगे ये मेरी बीवी है। माँ तेरी बहू आशीर्वाद दे। दिया। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, घर चलते हैं, आ जा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.